हरियाणा किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा में खरीद के आदेश दिए हैं। आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू होगी और आज से 15 नवंबर तक धान की खरीद की जाएगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और खरीद जल्द शुरू करने के लिए इस चिट्ठी के जरिए आग्रह किया गया था, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लिखी गई इस चिट्ठी पर अमल में लाया गया है। और आपको बता दें कि अब धान की खरीद जो है वो शुरू की जाएगी। हरियाणा किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा में खरीद के आदेश जारी किए हैं और अब आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू होगी और 15 नवंबर तक धान की खरीद होगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी के जरिए खरीद जल्द शुरू करने की अपील की गई थी। और अब आपको बता दें कि हरियाणा किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर ये सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, अब एक बड़ी राहत किसानों के लिए, आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार की ओर से अब आदेश भी जारी हो चुके हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है मंडियों में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में अब जो धान की खरीद है वो 27 सितंबर यानी आज से ही शुरू हो जाएगी और केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आज जो खरीफ 2024-25 की फसलें हैं उसमें धान की खरीद के लिए 27 सितंबर से 15 नवंबर तक खरीद की मंजूरी जो है वो दे दी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने आज जो धान की खरीद है उसकी मांग पहले शुरू करने को लेकर एक पत्र लिखा था। इस सरकार की चिट्ठी के बाद अब केंद्र सरकार ने हरियाणा में धान की खरीद को 27 सितंबर से करने को मंजूरी दी है। दरअसल इसमें जो है वो पहले हरियाणा में जो धान की खरीद है वो 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है, लिहाजा केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी लिखकर जल्द खरीद शुरू करने की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने 27 सितंबर यानी आज से ही धान की खरीद को मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि किसानों के लिए एक राहत की खबर है और अब किसानों के बीच में किस तरीके की आप जो है खुशी देख पा रहे हैं, और खासतौर पर हम बात कर रहे हैं मंडियों की, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं हरियाणा में जहां पर बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में बारिश के चलते किसी भी तरह की परेशानी किसानों को ना हो, इसके लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रदेश के कई जिलों में लगातार खराब मौसम के चलते बूंदाबांदी हो रही है, बरसात हो रही है, लिहाजा जो इंतजाम है मंडियों में वो इस तरीके करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसान की जो धान की फसल है वो मंडी में आने के बाद शेड के नीचे पहुंचे और उसको बारिश और खराब मौसम से बचाया जा सके। और अभी 27 सितंबर यानी आज से जो धान की खरीद को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, जिसके बाद हरियाणा की मंडियों में अब धान की खरीद शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में कुछ किसानों को ये राहत जरूर मिली है, क्योंकि मंडियों में फसल आने लगी थी लेकिन खरीद शुरू होने की इजाजत नहीं थी, इसके चलते खरीद नहीं हो रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने हरियाणा में धान की खरीद 27 सितंबर यानी आज से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले अगर जो तय शेड्यूल था उसके मुताबिक अगर धान की खरीद शुरू होती तो 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी थी। ऐसे में 4-5 दिन मंडियों में धान की आवक ज्यादा बढ़ती, खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन अब 27 सितंबर यानी आज से ही धान की खरीद मंडियों में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, और किसानों के पास भी अब पर्याप्त समय होगा और एक बड़ी राहत भी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अब फसल की आवक शुरू हो चुकी है और अब खरीद के भी आदेश जारी कर दिए गए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में धान की खरीद आज से शुरू हो चुकी है।